प्यारे बच्चे एवं दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा यह श्लोक, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कैश्चित् दुःखभाग् भवेत्। क्या आप इसका अर्थ जानते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहे, सबको सुख होवे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी प्राणी सभी मनुष्य निरोग रहे, यानी रोग मुक्त रहे। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण हो। इस धरती पर जितने मनुष्य हैं सबका कल्याण हो। मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कोई किसी के दुख का, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य किसी प्रकार के दुख का भागी ना बने, यानी सब एक दूसरे का कल्याण सोचे, कल्याण देखे सब में, और तो किसी का दुखी नहीं होगा। तो यह श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्यारे दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज 7 अप्रैल है। 7 अप्रैल क्यों इंपॉर्टेंट है? डू यू नो व्हाई 7 अप्रैल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि आज 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? व्हाट डू वी ऑब्जर्व ऑन दिस डे? नॉट ओनली आई यू बट द होल वर्ल्ड इज ऑब्जर्विंग वर्ल्ड हेल्थ डे ऑन 7 अप्रैल, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लोबल अवेयरनेस डे, ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस डे, विश्व जागरूकता, विश्व स्वास्थ्य जागरूकता दिवस भी कहते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे और ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस डे भी इसको जाना जाता है। प्यारे बच्चों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 7th अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे क्यों मनाते हैं? व्हाई डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड हेल्थ डे ऑन 7th अप्रैल? आप जानते होंगे कि WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि विश्व के तमाम देशों के स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक रखने और एक देश दूसरे देशों को रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए आपसी सहयोग करते हुए, सहयोग की भावना रखते हुए रोग मुक्त पूरे विश्व को करें, इसलिए WHO की स्थापना हुई। कब हुई थी आप जानते हैं? डू यू नो दैट व्हेन WHO वाज एस्टैब्लिश्ड? WHO वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 7th अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना के दिन ही हम वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। वी ऑब्जर्व ऑन 7th अप्रैल द वर्ल्ड हेल्थ डे। लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि भले 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना तो हुई, लेकिन 1950 से हम वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। वी हैव बीन ऑब्जर्विंग वर्ल्ड हेल्थ डे सिंस 1950 एंड इट इज कंटिन्यूड इन द होल वर्ल्ड। प्यारे बच्चों, दोस्तों, देखिए, इस वर्ल्ड हेल्थ के जरिए मैं आप सभी को स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए, स्वस्थ जीवन कामना करते हुए मैं आप सबों को चाहता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें,
विश्व स्वास्थ्य दिवस के जरिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस के जरिए यही है कहना, आप स्वस्थ रहो, निरोग रहो, रोग मुक्त रहो। आई विश टू एवरी मैन फॉर ग्रेट हैप्पीनेस एंड हेल्दी एट ऑल। यार अब देखिए, जीवन है बहुत अनमोल, जीवन है बहुत अनमोल, जिसमें स्वास्थ्य का है सबसे बड़ा रोल। जीवन है बहुत अनमोल, जिसमें स्वास्थ्य का सबसे बड़ा रोल। बंधुओं, मित्रों, दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं यह कहना चाहूंगा कि जीवन अत्यंत अनमोल है और इस धरती पर रहने वाले जितने मानव है, जितने मनुष्य हैं, हम सबका कर्तव्य है इस जीवन की सुरक्षा करना। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव आवर सेल्फ्स। तो जीवन बहुत अनमोल है, जिसमें स्वास्थ्य का सबसे बड़ा रोल है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के जरिए मैं आप सबों को स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। यह अच्छा स्वास्थ्य बनाता है जीवन को सुगम। ध्यान सुनिएगा, अच्छा स्वास्थ्य बनाता है जीवन को सुगम और बीमारी बनाती है जीवन को दुर्गम। हम जीवन को यदि हम सुगम सरल बनाना चाहते हैं तो अपने स्वास्थ्य को सबसे पहले प्राथमिकता देनी होगी। वी हैव टू गिव द आवर हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी, देन वी कैन फील ग्रेट हैप्पीनेस इन होल लाइफ। किसी नाउ अब देखिए, किसी भी अन्य प्रकार की खुशी के लिए स्वास्थ्य का त्याग करना यह सबसे बड़ी मूर्खता है। यदि हम किसी भी तरह के सुख चाहते हैं, खुश चाहते हैं रहना किसी दूसरे माध्यम से, तो किसी अन्य तरह की खुशी के लिए यदि अपने स्वास्थ्य को हम त्याग देते हैं, इफ यू डू नॉट केयर आवर हेल्थ इट्स आवर फ्रेशनेस, यह हमारी मूर्खता है, यह हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखकर न रहकर यदि हम दूसरे तरफ आकर्षित होते हैं। नहीं, सबसे बड़ा जीवन का सबसे बड़ा रहस्य पहले स्वास्थ्य। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा आप सब कुछ कर सकते हो, भले विद्यार्थी हो या कोई व्यक्ति हो। विद्यार्थी यदि वह पढ़ने वह चाहता है कि अपनी पढ़ाई अच्छी तरह करे, मेहनत करे, तो यदि आप स्वस्थ रहिएगा तभी आप अच्छी तरह परिश्रम कर सकते हैं, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हैं। इफ यू आर नॉट गेटिंग हेल्दी बॉडी, हाउ कैन यू प्रिपेयर योर एग्जामिनेशन। तो ये सबों के लिए एवरी मैन नीड्स गुड हेल्थ। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि हमें सबसे अधिक हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। अब ओवरऑल आई वॉन्ट टू सी दैट आवर हेल्थ इज वेल्थ। बच्चों, मैं एक आप लोगों से एक बात मैं शेयर करना चाहता हूं, सुनिएगा ध्यान से कि आपका रूटीन क्या होना चाहिए, डेली रूटीन क्या होना चाहिए। यदि आप डेली रूटीन सही रखते हैं, जो पहले आप अनुशासित पर होइए, हाउ कैन यू मेंटेन योर डेली रूटीन इफ यू मेंटेन योर सेल्फ वेल डिसिप्लिन्ड। आप अनुशासित अपने आप को होइए। हम सभी यदि अपने आप को अनुशासित होकर अपना दैनिक दिनचर्या सही ढंग से करते हैं, सही समय पर करते हैं, प्रॉपरली करते हैं, तुम अपने हेल्थ को निश्चित रूप से सुधार सकते हैं। आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए ताकि आप स्वस्थ रह सकें। क्योंकि यानी आज का विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो यह विश्व स्वास्थ्य दिवस ऑब्जर्व करने का यह हमें जो मौका दिया है, यह हमें सीख लेनी चाहिए। हम सभी मानव जात का कल्याण के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस ये मनाया जा रहा है, ताकि सभी व्यक्ति जागरूक हों कि हाउ कैन वी मेंटेन आवर बॉडी इन गुड हेल्थ। तो अपने दिनचर्या यदि हम सही करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने हेल्थ को सुधार सकते हैं। कैसे, सुबह में हमें जल्दी उठना चाहिए, जल्दी मतलब कि सूर्योदय के पहले। यदि हम 5 बजे तक यदि हम जग जाते हैं, अपना बिस्तर छोड़ देते हैं, यह हमारा सबसे सही समय रहेगा। क्यों, व्हाई डू वी लीव द बेड बिफोर 5 o'clock इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग वी शुड
लीव द बेड। व्हाई? यदि हम सुबह उठते हैं सूर्योदय के पहले, यदि 5 बजे के पहले उठ जाते हैं, तो सबसे अच्छी यानी शीतल हवा जिसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में रहती है, 40% से अधिक ऑक्सीजन वायुमंडल में सुबह के समय यानी सूर्योदय के पहले रहती है, और वह ऑक्सीजन यदि हम वॉकिंग करते हैं तो वह ऑक्सीजन डायरेक्ट हमारे लंग्स में या फेफड़े में आती है और हमारी ब्लड को, हमारी खून को साफ करती है। यानी ब्लड के प्यूरिफाई होने में हमारे हृदय की गति को सुचारू रूप से चलने के लिए, हमारे हमारे हार्ट को अच्छी तरह अच्छे से फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन भरपूर मात्रा हमारे शरीर के अंदर जाती है। तो सुबह सबसे पहले आप यदि आप सुबह उठते हैं 5 बजे के पहले आप जब जाते हैं, मैं सभी व्यक्तियों से, भले बच्चों हों कोई भी व्यक्ति हो, प्यारे दोस्तों, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूँ कि आप सुबह 5 बजे तक अपने बिस्तर को छोड़ दीजिए और सुबह बाहर की हवा लीजिए जिसमें ऑक्सीजन हमें भरपूर मात्रा में मिलेगा। दैनिक दिनचर्या के बारे में कुछ कहते हुए अपना बात और आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि सुबह उठकर हमें खाली पेट, पेट तो खाली ही रहता है सुबह जब उठते हैं, उस समय 1 या 2 गिलास पानी पीना चाहिए। यदि तंबा का लोटा रहता है, लोटे में यदि पानी हम भरकर रात में रखते हैं तो 1 लोटा यदि पानी पी लेते हैं, भारत का वास्तविक बर्तन क्या है? लोटा है पानी पीने का। ग्लास से जो हम पानी पीते हैं, यह ग्लास हमारे भारत का नहीं है, यह ग्लास दिया हुआ है यूरोपियन का। वह भी यूरोपियन किस देश से आया है? यूरोपियन यूरोप के पुर्तगाल देश से। पुर्तगाल देश से यह ग्लास जो है, ग्लास से पानी पीना उतना बेहतर नहीं होता इतना कि लोटा से पानी पीना। लोटा से जो सरफेस टेंशन होता है, वाटर का लोटा में रखा हुआ उसका कम रहता है, तो जिसका सरफेस टेंशन कम रहता है वह स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। ग्लास से पानी पीना उतना बेहतर नहीं होता इतना कि लोटा से, और लोटा ही भारत का असली बर्तन है जिसे हम पानी पीते हैं। तो बच्चों, दोस्तों, प्यारे बच्चों, मित्रों, मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप खाली पेट सुबह उठकर डायरेक्ट पानी पीते हैं, वह भी पानी कैसे पीना चाहिए? हाउ कैन वी ड्रिंक वाटर? हमें पानी पीना नहीं, पानी आप तो हंसिएगा सुनकर, पानी हमें चबाकर निगलना चाहिए। चबाने का मतलब क्या हुआ? हुआ जो ऐसे हम ऐसे पानी पीते हैं, पानी पूरे मुंह में भरकर धीरे धीरे पानी घूंट घूंट कर पानी पीना चाहिए। यदि हम डायरेक्ट पानी ऐसे पी लेते हैं, ऊपर से पानी पीना बिल्कुल ही हानिकारक होता है, हानिकारक है। यदि हम ऐसे डायरेक्ट ग्लास या लोटा से पानी पीते हैं तो डायरेक्ट यदि हम पी लेते हैं वह भी फायदाकारक नहीं होता है, उतना लाभप्रद नहीं है। हमें घूंट घूंट कर थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए, इसलिए कहते हैं चबाकर पानी, यानी पूरे मुंह में दांत वगैरह का एक्सरसाइज हो जाता है। तो पूरे मुंह थोड़ा थोड़ा पानी पीकर यदि हम पानी निगलते हैं, दैट इज बेटर, दैट इज बेस्ट फॉर आवर हेल्थ। तो पानी पीने का भी तरीका होता है। कितने लोग क्या करते हैं कि बोतल से पानी डायरेक्ट मुंह में बिना सटाए वह पी लेते हैं, वह भी हितकर नहीं होता है, वह स्वास्थ्य के लिए ऐसा नहीं माना जाता है। डायरेक्ट पानी पीने से हमारे हार्ट पर असर पड़ता है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो आप जानते होंगे कि बैठ कर ही पानी पीना ही बेहतर होता है। यदि हम खड़े पानी पीते हैं तो वह डायरेक्ट उसे हमारी हड्डियां प्रभावित होती है, किडनी पर जोर पड़ता है, यानी उस पानी तो हम पीते हैं लेकिन उसे क्या होता है, उसे हमारे स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ता है। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहूँगा कि पानी डायरेक्ट नहीं पीना चाहिए, घूम घूम पानी पिए और पानी बैठ कर पीना चाहिए। यदि हम बैठ कर पानी, हमेशा याद रखेगा, पानी कभी खड़े होकर, बच्चा हो, वयस्क हो या बुढ़ा हो, कोई व्यक्ति को लिए, कि मैं किसी व्यक्ति के लिए बोलता हूँ, पानी प्लीज बैठ कर पिए। तो सुबह का पानी पीना बहुत ही लाभप्रद होता है। यदि आप ब्रश करते हैं, मैं दैनिक दिनचर्या की बात कह रहा हूँ, यदि आप ब्रश करते हैं तो आज मॉडर्न युग में क्या है कि बच्चे या कोई ब्रश से ब्रश करता है, तो ब्रशिंग जो यदि हम ब्रश से करते हैं तो केमिकल, हमारे जो पेस्ट में केमिकल होते हैं वह केमिकल भी वैसा लाभप्रद नहीं होता है। पहले के लोग क्या करते हैं, आज भी देहातों में लोग क्या करते हैं, दातून से भी ब्रश करते हैं। दातून से ब्रश करना, दैट इज वेरी बेनिफिशियल, इट इज बेटर। यदि हम बबूल से दातून से ब्रश करते हैं,
नीम के दातुन से ब्रश करते हैं तो हमें बहुत ही लाभ मिलता है शरीर के लिए, यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। अभी भी देहातों में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग महुआ का, बबूल का, नीम का वे उसी से दातुन से वे ब्रश करते हैं। यहाँ तक यदि आप ठीक है आप पेट से ब्रश करते हैं, यदि आप उंगलियों से ब्रश करने के बाद उंगली से आप दांत को रगड़ते हैं तो आपकी उंगली दांत के हर एक क्षेत्र हो जाती है। मैं एक बात यह बोलना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए, इस बात को याद रखिएगा प्लीज, कि ब्रश से यानी ब्रशिंग करने के बाद उंगली से अपने दांत को चारों तरफ रगड़ लीजिए, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद जीभ को साफ करना नहीं भूलना है। कितने बच्चे क्या करते हैं कि वे आलसपन से कहने पर आते हैं, ब्रश करते हैं, फिर उसके बाद जीभ करना भी छोड़ देते हैं, तो वे जीभ ब्रशिंग करने के बाद जीभ को साफ करना नहीं भूलिएगा। फिर उसके बाद स्नान हम करते हैं, दैनिक दिनचर्या में कैसे करनी चाहिए मैं उसके बाद बोल रहा हूँ स्वस्थ, क्योंकि आज हम विश्व स्वास्थ्य संगठन का यह दिया हुआ पूरे विश्व में जो हम वी आर ऑब्जर्विंग वर्ल्ड हेल्थ डे, तो यदि हम अपने को स्वस्थ रखते हैं यह देश की सबसे बड़ी सेवा कहेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि 2020-21 में कोरोना जैसी महामारी में कितने लाखों व्यक्तियों की जान चली गई, वर्ल्ड के करोड़ों व्यक्तियों, कई लाख व्यक्ति अपने जान गंवा दिए। तो हम यदि अपने को स्वस्थ रखें, निरोग रहें, रोग मुक्त रहें, तो यह धरती जो है जहाँ पर मानव की आवश्यकता होती है धरती ये सोना उगलेगी, यदि हम अपने को स्वस्थ रखेंगे, पूरा विश्व यदि स्वस्थ रहेगा। तो दैनिक दिनचर्या में अपनी बात बढ़ाना चाहता हूँ कि यदि हम स्नान करते हैं तो डायरेक्ट यदि हम स्नान करते हैं, अक्सर हम लोग क्या करते हैं बाथरूम जाते हैं और डायरेक्ट अपने माथे पर से पानी उड़ेलते हैं, पानी डालते हैं, दैट इज वेरी बैड, दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, वो कई रोगों का कारण बन जाता है। तो यदि हम बाथरूम में स्नान करते हैं तो डायरेक्ट हमें माथा पर पानी, सिर पर पानी नहीं डालना चाहिए, पहले अपने शरीर के निचले भाग जो पैर होता है, पैर का, अपने घुटना का, ऐसे धीरे धीरे नीचे से ऊपर हम पानी, लोटे से पानी जो है किसी जैसे हम नहा रहे हैं कि मग से, लोटा से, कैसे जैसे नहाएं, वे मेरे सभी व्यक्ति मैं यह अनुरोध करूँगा कि वे नीचे से नीचे के अंग को भिंगाते हुए वे अपने ऊपर तक, फिर पानी, तब लास्ट में सिर पर पानी डालें। जिससे क्या होता है, सिर पानी डालने से हानि क्या होती है, हमारे हृदय पर असर पड़ता है, हड्डियों पर असर पड़ता है, इसलिए डायरेक्ट सिर पर पानी हमें स्नान करने के समय पहले नहीं डालना चाहिए, नीचे से पानी डालना चाहिए ताकि हमारा शरीर ठंडा हो जाए और हम स्वस्थ रहें, ऊर्जावान हो। स्नान क्यों करते हैं, अपने शरीर को ऊर्जावान रखने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो स्नान करने की विधि है, इस विधि को आप याद रखिएगा कि नीचे से पानी जो है, नीचे से अंग को भिगाना चाहिए, नीचे से ऊपर करते हुए तब ऊपर से हम पानी डालते हैं। यह हो गया स्नान करने का तरीका। फिर उसके बाद जब हम नाश्ता करते हैं या खाना खाते हैं उसमें हम चबाकर खाने चाहिए। आप सभी जानते हों, आप किताबों में भी पढ़े होंगे कि चबाने से क्या होता है, दांत का भी एक्सरसाइज होता है और जो भी अनाज हम खाते हैं वह कई टुकड़े में विभक्त हो जाता है जिसका हमारा डाइजेशन सिस्टम अपना सही से फंक्शन करता है, हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है और वह फंक्शन करने का आसानी से हमारा जितने जो भी हम खाना खाते हैं इट इज टोटली डाइजेस्टेड इफ ठीक है इफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्ट्रांग। तो डाइजेस्टिव सिस्टम अपना फंक्शन कब करेगा अच्छा से, यदि हम चबाकर धीरे धीरे चबाकर खाते खाना खाते हैं, क्योंकि खाने से खाने का जो प्रभाव है यह हमारे पेट और आंतों पर, छोटी और बड़ी आंत, इंटेस्टाइन पर असर पड़ता है। तो खाना चबाकर खाना चाहिए ताकि हमारे पाचन तंत्र मजबूत हो, पाचन तंत्र अपना फंक्शन बढ़िया से करे और हमारी छोटी और बड़ी जो आंत है उसमें खाने के साथ जो भी यह खून का जो सर्कुलेशन सिस्टम है यह भी ठीक रहे। तो मैं सबसे यह कहना चाहूँगा कि चबा चबा कर प्लीज खाना चाहिए, क्योंकि आज इतने बिजी लाइफ में हम इतने व्यस्त जाते हैं कि न तो पानी हम धीरे धीरे पीते हैं और न खाना धीरे धीरे खाते हैं, जल्दीबाजी में
जो खाना हमें 10-15-20 मिनट में खाना चाहिए वह हम 5 मिनट से कम 3-4 मिनट में हम खाना खा लेते हैं। लेकिन ये खाने का इट इज नॉट गुड आइडिया, इट इज नॉट गुड मेथड टू गेट फूड। तो हम जो भी खाना खाएं वो धीरे धीरे चबा कर खाना खाएं। उसके बाद खाने के बाद आप ये भी सुने होंगे, फिर मैं कहना चाहूँगा कि खाने के बाद पानी जो है कितने लोग क्या करते हैं, अक्सर हाँ 50% से 80% लोग खाने के तुरंत बाद पानी एक या दो ग्लास पी लेते हैं। दैट इज वेरी वेरी बैड फॉर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोस्तों मैं यह आपसे कहना चाहूँगा कि खाने के तुरंत बाद पानी प्लीज ना पिए। यदि खाने के बाद एक या दो घूंट यदि पानी पी लेते हैं दैट्स इनफ अनाज भीतर जाने के लिए। बस एक से डेढ़ घंटे बाद आफ्टर 1 or 1.5 hours इफ वी गेट वाटर दैट इज वेरी वेरी गुड, दैट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। तो हमारा डाइजेशन भी अच्छा होगा और पेट में जो एसिड जो बनता है वह एसिड यदि हम पानी पीते हैं तो वह एसिड अपना काम करना बंद कर देता है। जठराग्नि जो उत्पन्न होती है वह बुझ जाती है। तो हमारा डाइजेसिव सिस्टम जो है वह कमजोर पड़ जाता है, डाइजेशन नहीं हो पाता है और गैस से हम पिट जाते हैं, वी सफर फ्रॉम गैस्ट्रिक। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि खाने के कम से कम एक घंटे बाद पानी पीने की आप कोशिश करें ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका खाना बढ़िया से पच जाए, आप स्वस्थ रहेंगे। फिर खाने के बाद और क्या करना चाहिए, खाने के जस्ट एक या दो मिनट 5 मिनट थोड़ा सा घूमकर, यानी आप जब लंच लेते हैं या डिनर लेते हैं थोड़ा वॉकिंग कर लीजिए। उसके बाद वज्रासन, वज्रासन जानते हैं आप, दोनों एकदम सीधा बैठ जाइए, आप दोनों पैर को मोड़कर फिर घुटने तक मोड़ लीजिए और अपने पैर को मोड़कर बैठ जाइए। आप टीवी देखिए या आपका ध्यान बिल्कुल सीधा होना चाहिए, बिल्कुल 15-20 मिनट आधे घंटे यदि बैठते हैं वज्रासन, उसे वज्रासन कहते हैं, आपका दोनों हाथ जो है वह आपके घुटने पर रहना चाहिए। तो इसे क्या होता है, डाइजेशन खाने का अच्छा हो जाता है, गैस कभी नहीं बनते हैं। तो वी विल नॉट सफर फ्रॉम गैस्ट्रिक डिजीज। तो गैस कभी हमारे गैस का फॉर्मेशन हमारे पेट में नहीं होगा यदि हम वज्रासन बैठते हैं। रात में डिनर के बाद हमें टहलना चाहिए, टहलने से, क्योंकि खाने के तुरंत बाद सोना दो दैट इज वेरी हार्मफुल। इफ यू गो टू बेड जस्ट आफ्टर टेकिंग मील, आइदर आफ्टर टेकिंग लंच और डिनर, इफ यू गो टू बेड दैट इज वेरी बैड, वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि खाने के तुरंत बाद हमें सोना नहीं चाहिए, हमें बेड नहीं पकड़ना चाहिए। तो ये तो हुए कुछ वैसे दैनिक नियम, दिनचर्या हमें जो हमें बताती है कि हम कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। हाउ कैन वी कीप आवर बॉडी विथ गुड हेल्थ। फिर यदि आप दैनिक दिनचर्या आप यदि अच्छा से रखिएगा निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहिएगा। अब हमें यह ध्यान देना चाहिए कि यह ब्लड प्रेशर क्यों होता है। ब्लड प्रेशर चिंता करने से होता है, टेंशन करने से होता है। यदि हमारा फिजिकल वर्क हम जिन नहीं करते हैं ब्लड प्रेशर हम शिकार हो जाते हैं। किसी बात को लेकर हम चिंतित हो जाते हैं ब्लड प्रेशर हो जाता है। डिप्रेशन में जाते हैं ब्लड प्रेशर हो जाता है। यदि खान पर हम सही से नहीं करें ब्लड प्रेशर हो जाता है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल जो है 120-80 होना चाहिए। तो या कितने लोग लो ब्लड प्रेशर या कितने लोग हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित रहते हैं। हाउ कैन वी मेक आवर ब्लड प्रेशर नॉर्मल। तो टेंशन मुक्त रहकर यदि हम अपने दिनचर्या सही से करेंगे बिल्कुल हम स्वस्थ रहेंगे और ब्लड प्रेशर नहीं होगा, डायबिटीज भी नहीं होगा। तो प्यारे दोस्तों मित्रों आप स्वस्थ रहें। अगेन आई विश फॉर गुड हेल्थ एवरीवन। थैंक यू वेरी मच।